हमारी वाइफ ठीक हुई है, हम बोले परमेश्वर ठीक किया, मैं तो परमेश्वर का सेवक हूँ मामूली सा, कुछ भी नहीं हूँ मैं, परमेश्वर को महिमा मिले। तो आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बात करते रहता है, कोई भी तकलीफ आता है, कोई प्रॉब्लम प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है, वो मेरे से बात करता है। तो देख रहे हैं ना, प्रार्थना के, प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। मोबाइल के द्वारा भी हम करते हैं तो हीलिंग मिल जाती, चंगाई मिल जाती, छुटकारा मिल जाता है, दुष्टात्मा निकल जाता है। अब कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो लोग सामने भी रहेंगे, सर पे हाथ रखे भी प्रार्थना करूंगा, वो लोगों को चंगाई छुटकारा नहीं मिलती है। कारण जो प्रार्थना करवाने के लिए आया है, सच में उसके जीवन में आखिर चल क्या रहा है, वो कैसा चलेगा, प्रभु के रास्ते में चलेगा, क्या वो चंगाई पाते ही छुटकारा पाते ही फिर पाप में जाएगा, फिर वो जिस पाप के कारण उसके जीवन में तकलीफ आया है, बीमारी आई है, क्या फिर से जाके वो वही पाप करेगा जिसके कारण उसके ऊपर और भारी विपत्ति आ पड़े। तो इसके कारण परमेश्वर जो है उसको चंगाई चंगाई नहीं देते हैं। तो इसमें पास्टर को नहीं समझना है कि पास्टर प्रार्थना किए ठीक नहीं हुए, समझ रहे हैं ना। तो वचन से हम लोग फोकस करेंगे कुछ, वचन हम लोग निकालेंगे तो हमको क्या है कि चंगाई पाने के बाद हमको क्या करना है। यदि हम प्रार्थना करवाने के लिए आए हैं, हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, यदि हम चंगाई पाने के लिए आए हैं, छुटकारा पाने के लिए आए हैं, यदि आपको मिल जा रहा है चंगाई छुटकारा मिल जा रहा है आपको, तो आपको क्या करना है उसके बाद। मैं आप लोगों को वचन से इनकरेज करना चाहता हूं। दो उदाहरण, उदाहरण तो बहुत सारे होंगे मगर मैं दो उदाहरण आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मरकुस अध्याय 10 वचन 46 से लेकर 52 तक, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, ए दाऊद की संतान, यीशु तू मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों से उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो यहाँ पे बरितिमाई की बात चल रही है, जो अंधा था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उसको चुप कराने के लिए बोला, चुप करवाया उसको, मगर वो चुप नहीं हुआ और ऊंचे सबसे वो यीशु मसीह को पुकारने लगा। तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो वो बोला कि मैं देखने लगूं। तो तुरंत वो चंगा भी हो गया। चंगा होने के बाद, मेन पॉइंट यही है, चंगा होने के बाद उसने क्या किया, देखिए। यीशु की बेटा पढ़ना मत बेटा, आज परमेश्वर आप लोगों से भी पूछ रहा है कि मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आप बोलेंगे कि पिता मैं ठीक हो जाऊं, मैं बीमार रहता हूं हमेशा, पिता मेरे जीवन में शैतान के बहुत सारे बंधन है वो टूट जाएं,
पिता मेरे घर में बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाए, पिता मेरा बेटा वापस आ जाए, पिता मेरा दामाद वापस आ जाए ना। आपके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट हो सकते हैं और परमेश्वर ने आपको दे भी दिया, मान लीजिए, मगर क्या आप भी बरितिमाई के जैसा करेंगे? उसको जैसे ही वो देखने लगा तो उसने क्या किया? सबसे लास्ट वाला लाइन पढ़िए, उसके पीछे चलने लगा। फिर से पढ़िए उसको लास्ट लाइन। यीशु ने उसे चंगा उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वह यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यानी यीशु मसीह की सेवा में वो भी शामिल हो गया, वो भी सेवा करने लगा, वो भी प्रचार करने लगा, वो भी प्रार्थना करने लगा, वो भी यीशु मसीह की गवाही देने लगा। यदि आज परमेश्वर आप लोगों को चंगा करते हैं तो क्या आप यीशु मसीह का काम करेंगे? ठीक है, आप लोग इंडिविजुअली मत लीजिएगा कोई, ठीक है, मैं ऐसे प्रचार कर रहा हूं। क्या आप यीशु मसीह का प्रचार करेंगे बरितिमाई के जैसा, यीशु मसीह के साथ हो लेंगे? क्या आप भी प्रार्थना में अपना जीवन बिताएंगे अधिक से अधिक? क्या आप भी बरितिमाई के जैसा खरा जीवन जिएंगे, पाप नहीं करेंगे, संसारिक काम नहीं करेंगे, संसार में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे? बरितिमाई से हमें ये सीख मिलता है, जिस प्रकार से वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, हमें भी चंगाई जब मिले तो हमें भी यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब है, उसी में बने रहना है हमको, उनके काम को करना है, प्रचार को करना है, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है। एक मसीह जो होता है, खराई का जीवन हमें व्यतीत करना है। आप ठीक हो गए हैं, समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, छुटकारा दिया है, तो आप वैसा काम भी करिए। फिर से कोई ऐसा काम मत करिए, फिर से कोई गलत काम मत करिए, फिर से अपने आप को छिपा के मत रखिए, फिर से आलस का जीवन मत जिए। परमेश्वर के लिए आप जिएंगे, परमेश्वर के लिए आप करेंगे तो परमेश्वर आपको ठीक जरूर करेंगे, मगर संसारिक काम के लिए मांग रहे हैं, संसारिक जीवन फिर से जिएंगे, संसार में ही रहेंगे तो परमेश्वर आपको नहीं देंगे। बरितिमाई से हमें सबसे बड़ा एक उदाहरण मिलता है कि बरितिमाई ने क्या किया, हमें भी करना है वही चीज। हालेलुया। अगला वर्ष हम लोग पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 20 उसका वचन 29 से लेकर 34। लड़का बहुत जल्दी निकाल ले रहा है। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने दो अंधे को भी ठीक किया, चंगाई दिया, तो वो भी क्या किए, पीछे हो लिए। समझ रहे हैं? देखिए, वो लोग भी पीछे हो लिए, यीशु मसीह का काम करने लगे, प्रचार करने लगे, उनके रास्ते पर चलने लगे। तो हमें एक उदाहरण मिल रहा है, एक एग्जांपल मिल रहा है कि हमें भी क्या करना है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, हमें आशीष दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, तो हमें उनके रास्ते पर चलना ही है। ये दो अंधे भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ रहे हैं ना?